Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, माफिया अतीक अहमद मारा गया, बेटा अस्था ढेर हो गया, लेकिन साइस्ता परवीन सामने नहीं आई। अभी भी पुलिस ने अतीक की पत्नी साइस्ता को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। कौशाम्बी से पश्चिम बंगाल तक छापेमारी चल रही है। साइस्ता के कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम बंगाल में छिपे होने की आशंका है। इस बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन के 20 से ज्यादा ऐसे मददगारों को चिन्हित किया है जिनसे उसको मदद मिल सकती है। इस सिलसिले में प्रयागराज का एक बिल्डर, साइस्ता के करीबी एक महिला डॉक्टर, बनारस में रहने वाले अतीक के बहनों से भी पूछताछ कर रही है। साइस्ता के मददगारों पर निगाह। पुलिस की माने तो साइस्ता को जिनसे मदद मिल सकती है वो है अकामा बिल्डर्स के मालिक यानी कि मोहम्मद मुस्लिम, असलम मंत्री, खालिद जफर, मोहम्मद नफीस, इरशाद और शोनू, अरशद, सुल्तान अली, नूर और भी तमाम नाम शामिल हैं। और एक और बड़ा सवाल कि गुड्डू बमबाज कहाँ है। साइस्ता के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू बमबाज की भी तलाश तेज है। ये दोनों अतीक अहमद के सबसे बड़े राजदार हैं और पुलिस के मुताबिक जिस दिन ये बड़े पकड़े गए और मुंह खोला तो कई राज उगलेंगे। गुड्डू वही शख्स है जो उमेश पाल पर बम बरसा रहा था। काले बैग से निकाल निकाल कर बम फेंकते हुए गुड्डू मुस्लिम सीसीटीवी में कैद हो गया। उमेश पाल हत्याकांड के 53वें दिन तक गुड्डू बमबाज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यूपीएस चीफ की माने तो 5 लाख का इनामी गुड्डू बहुत ही खतरनाक अपराधी है। पुलिस सूत्रों की माने तो गुड्डू बमबाज यूपी से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक पहुंच गया है। पुलिस के लिए गुड्डू बमबाज एक पहले बन चुका है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या खुलासा करने वाला था अशरफ। जिस दिन अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ उसी दिन से गुड्डू पर कयासबाजी तेज है, क्योंकि हत्या से पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाह रहा था लेकिन उससे पहले ही उसका मर्डर हो गया। अटकलें हैं कि अतीक और अशरफ को शक हो गया था कि गुड्डू मुस्लिम उनके खिलाफ मुखबिरी जो है वो कहीं ना कहीं कर रहा था। अतीक का सारा नेटवर्क संभालता था गुड्डू मुस्लिम। अतीक और अशरफ को लगता था कि इसी वजह से असदुल गुलाम का एनकाउंटर हुआ है। बताया जाता है कि अतीक और अशरफ को यह डर लगता सता रहा था कि गुड्डू मुस्लिम कहीं पकड़ न लिया जाए। दरअसल अतीक का खास बमबाज गुड्डू मुस्लिम अतीक का सारा नेटवर्क संभालता था और ये बात अतीक और अशरफ के रिमांड के दौरान पता चली है। हत्याकांड के बाद 5 दिन तक झांसी रुका था गुड्डू। एसटीएफ के मुताबिक एएसआई के पंजाब के रास्ते हथियार लाने का काम गुड्डू मुस्लिम ही देखता था। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज शूट आउट के अगले दिन ही अपने 5 साथियों को लेकर झांसी में सतीश पांडे के घर 5 दिन रुका था। कुछ दिनों बाद वो दोबारा झांसी पहुंचा। 2-2 बार झांसी जाने के बावजूद मुस्लिम बच गया। झांसी में अतीक के बेटे असद और गुलाम सूत्र का एनकाउंटर हो गया। गुड्डू का आखिरी वीडियो मेरठ से आया था जब अतीक की बहनों डॉक्टर अखलाक के घर में उसे पना ली थी। गुड्डू के साथ ही अतीक की बीवी साइस्ता भी अब तक फरार है। ना वो ना बेटे के जनाजे में आई और ना पति और देवर के जनाजे में, और वजह क्या है ये भी अभी चौंकाने वाली चीज है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।